नमस्कार दोस्तों, हमारे GRS टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मिर्च के फ़ायदे। तो दोस्तों, लाल मिर्च अपने तीखे स्वभाव के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह कटु रस और लाल स्त्राव जनन द्रव्यों में प्रधान है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लाल मिर्च के फ़ायदे। तो लाल मिर्च का लैटिन नाम कैप्सिकम एनम लिन है, अंग्रेजी नाम इसका रेड चिली है, संस्कृत में इसको हम लंका बोलते हैं, वहीं हिंदी में इसको हम लाल मिर्च बोलते हैं, गुजराती में इसका नाम मिर्ची है, वहीं मराठी में इसको हम लोग मुलुक कहते हैं, बंगाली में इसका नाम गाद मारीच है। आइए जानते हैं लाल मिर्च के औषधीय प्रयोग। तो दोस्तों, अगर अभी स्वर भंग आपका हो जाता है तो शक्कर और बादाम के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च की गोली बनाकर देने से गवाइयों और व्याख्यान देने वालों का स्वर भंग मिट जाता है। बात करते हैं कि अगर आपको कफज रोग है तो आप क्या कर सकते हैं। शूल, अतिशूल, प्राश्रव शूल और घृसिक में इसका तेल की मालिश करने से अथवा जले हुए फलों का लेप लगाने से लाभ होता है। बात करेंगे कि अगर आपको मिर्च का तेल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मिर्च का तेल बनाना है तो 125 ग्राम सूखी लाल मिर्चों को आधा किलो तिल तेल में पका लीजिएगा। जब मिर्च काली पड़ जाए तो तेल छानकर शीशी में भर लीजिएगा। आपका लाल मिर्च का जो तेल है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर आपको कभी कुत्ता काट ले तो क्या कर सकते हैं, जिसको हम श्वान भी बोलते हैं। तो कभी आपको कुत्ते ने अगर गलती से काट लिया है तो उस स्थान पर मिर्चों को जल में पीसकर लेप करने से कुछ देर पश्चात विष बाहर निकल जाता है, वेदना शांत हो जाती है तथा घाव में जो पीव आ जाता है वो नहीं पड़ता। बात करेंगे कि अगर आपको फोड़े, फुंसी, कंडू इत्यादि अगर हो गए तो आप क्या कर सकते हैं। बरसात के मौसम में होने वाले फोड़े, फुंसियों और खुजलियों इत्यादि इसके तेल के सेवन से फौरन ठीक हो जाता है। गर्मियों के मौसम में शरीर में जो फुंसियाँ हो जाती हैं उन पर इनके बीजों का तेल लगाने से शीघ्र आराम हो जाता है। बात करते हैं कि अगर शराबी का भ्रम अगर हो तो वो क्या कर सकते हैं। शराबियों के भ्रम में 1 ग्राम मिर्च का चूर्ण 20 ग्राम गुनगुने जल में दिन में 2 या 3 बार देने से शराब का नशा उतर जाता है और उनका जो भ्रम होता है वो दूर हो जाता है। इस प्रयोग से सनिपात में भी काफ़ी आराम होता है। बात करते हैं सनिपातित ज्वर में आप क्या कर सकते हैं। तो 500 मिलीग्राम लाल मिर्च के बीजों को के महीन चूर्ण को 1 घटा गर्म पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार देने से मद्यपान जनित सनिपातक में आश्चर्य लाभ होता है। बात करते हैं गले के रोग के बारे में। तो अगर आपको गले का रोग हो गया है तो आप क्या करें। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम पीसी हुई मिर्च, मिर्च ज़्यादा तेज हो तो 5 ग्राम या आवश्यकता कम कर सकते हैं, तो डालकर क्वाथ या हीम फाट बना लें। अब आपको इस पानी से कुल्ले करने से मुखपाक मिट जाता है और गले में बिगड़े हुए घाव, चाहे वे हुए हो या किसी दूसरे स्थान पर संबंध हुए हो, तो वो मिट जाता है। बात करेंगे कि अगर आपको श्वान बात करेंगे अब हम कि अगर आपको अरुचि है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में अरुचि हो गई है पित्त प्रयोग के कारण, कि जिसको भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई हो, भूख नहीं लगती हो, उसको आवश्यकता अनुसार मिर्च के बीजों के तेल की 5 से 30 बूंद बतासे में भरकर या शक्कर के साथ खाने से भूख खुल करके लगती है। तो आजकल के बच्चों को खाने में अरुचि कभी कभी हो जाती है कि मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगी, तो ये प्रयोग आप उन पर कर सकते हैं, उनको तुरंत लाभ होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को लाल मिर्च के फ़ायदे, जिनको हम लोग लंका बोलते हैं संस्कृत में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको हमारा ज़रा भी पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके बाईं तरफ रेड सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।